दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। जाते जाते चीफ जस्टिस मिश्रा ने कही ये बड़ी बात, सब हैरान। भारत के आउटगोइंग चीफ जस्टिस सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत और यहां तक कि हमलों और परेशान समय में भी मजबूत संस्थान के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जटिल मुद्दों से निपटने की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा, हमारे न्यायाधीश दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों से आगे है। आपको बता दें कि भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण मामलों की अध्यक्षता की है और उन महत्वपूर्ण बेंचों का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने समलैंगिकता को अपराध से हटा दिया है, मिश्रा ने गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार बताया है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते समय भी आधार की संवैधानिक वैधता स्थापित करना और सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश करने की इजाज़त देने के आदेश दिए हैं। इनमें से कुछ का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा के उत्तराधिकारी रंजन गोगोई जो 3 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे, उन्होंने कहा कि मिश्रा ने कई चुनौतीपूर्ण मामलों को सुलझाने में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि गहन संवैधानिक प्रश्नों को शायद ही कभी राजनीतिक मुख्य मुद्दों से अलग किया जा सकता है। वास्तव में यह इस तरह के समय में है कि हमारी प्रतिबद्धताओं की लचीलापन का परीक्षण किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार को मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा विदाई दी गई थी, जहां उन्होंने ये बातें कही है।